आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असल हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं इस समय जींद हूँ और मैं जिस थ्री व्हीलर में बैठा हूँ उसको कोई पुरुष नहीं महिला चला रही है। हम काफ़ी देखते हैं कि महिलाएं आजकल बहुत कुछ करती हैं, लेकिन जब पेट का सवाल हो जाता है, अपने परिवार को पालती हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जुड़ रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। नाम बताइएगा अपना। नाम दलपति शर्मा जी। कितने सालों से चला रहे हैं? 4 साल से। अच्छा, तो थ्री व्हीलर चलाने की नौबत क्यों आई? काम करने वाला कौन था, छोटे बच्चे थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। आके देख, आके देख थोड़ा ध्यान से। और तो परिवार का पालन पोषण हो जाता है? अब तो काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कम काम है। अब जैसे छोटी ऑटो आ गई ना ये जी, ये पैंथर वाली जी, अब काम कम हो गया। काफी कम है, मतलब डीजल महंगा हो गया। जो बैटरी वाली आई उसके बाद काम कम हो गया। कम हो गया जी, और डीजल भी महंगा हो रहा है। डीजल भी महंगा है जी। किराए का मकान है जी। अच्छा, किराए का मकान है। घर का भी नहीं है। घर का भी नहीं है। किस जगह रहते हैं? यहाँ रहते हैं जी, पटना नगर पे। ये थ्री व्हीलर चला करके अपने परिवार का गुजारा करती है महिला, कोई काम करने वाला नहीं है। और बता रही है कि जब से बैटरी वाली रिक्शाएं आई है वो काफ़ी समस्या उनको यहाँ हो चुकी है। देखो, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हम पहले भी दिखाते आए हैं कि महिलाएं रेहड़ी लगाती है और बहुत कुछ करती है। मैंने रेहड़ी लगाई थी 2 साल तक। अच्छा, रेहड़ी भी लगाई? लगाई थी, सब्जी बेचती हूँ मैं इसमें। अच्छा, बड़ियों में घूमती हूँ, जब इसमें सवारी में काम नहीं चलता ना, फिर सब्जी भी बेचती हूँ। मतलब जिंदगी से हार नहीं मानी? नहीं मानी जी। हाँ, नहीं मानी जी, लगे रहे। हाँ, लगे रहे। बच्चा धोखा दे दिया है। क्या शादी हो गई? अलग हो गया है। अच्छा, शादी करके अलग? लड़का बड़ा था? लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। देखिए, जीवन में समस्याएं भी बहुत आती हैं। और लड़का बड़ा था, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अपनी माता से अलग हो चुका है। मैं एक माँ की आस थी कि उसका बेटा खाएगा, कमाएगा और उसको भी खिलाएगा। लेकिन कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 तो हो गई। अनबिलीवेबल ये तस्वीरें हैं, दिखाना चाहूँगा पूरा थ्री व्हीलर। और आपका नाम क्या है? कौन गुना, आप क्या करते हैं? मैं भी फोटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। तो देखिए, अनबिलीवेबल ये तस्वीरें। और मैं ऑटो में बैठा हूँ, महिला की उम्र लगभग 50 साल है। नाम क्या बताया था आपने? दनपति शर्मा जी। दनपति शर्मा, दनपति शर्मा है, पति नहीं है, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ये महिला चलाती है ऑटो। और कितनी सफाई से, जब हमने भी देखा किस तरीके से अपना पालन पोषण करती है। लेकिन इनका जो बड़ा लड़का है उसकी शादी हो चुकी है, उसने भी इनको धोखा दे दिया। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी इनके घर पहुँचेंगे, इनसे और भी बातचीत करेंगे। जुड़े रहिएगा। और काफ़ी अचंभित करने वाली तस्वीरें, क्योंकि महिलाएं अब बस चलाने लगी हैं और एरोप्लेन तो चलाती हैं, लेकिन आज जब थ्री व्हीलर में देखा कि थ्री व्हीलर भी चला रही हैं। बैटरी की जो रिक्शाएं हैं, जब से वो आई हैं काफ़ी आमदनी में भी प्रभाव पड़ा। आमदनी में भी प्रभाव पड़ा रिक्शा आने के बाद। तो फिर क्या करेंगे, बैटरी वाली लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, बैटरी वाली कई लुढ़क सकती है, कई बैटरी बोल सकती है। अब बिजली लगाएंगे तो भी लाएगा ज्यादा। अब डीजल चलाते डालते 100 रुपया डाल दिया, खत्म हो गया, फिर डाल दिया। तो सरकार से भी कुछ कभी कुछ ऐसा सहायता मिली है या किसी? नहीं मिली जी, मेरा गुलाबी कार्ड भी नहीं है। अच्छा, गुलाबी कार्ड भी नहीं है? नहीं है, वो भी पटा पुराना, कुछ नहीं मिलता जी, कुछ नहीं। हाँ, उस पे तो बहुत कम ही मिलता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब सब जीरो हो चुका है। ये सब महंगाई हो गई, कुछ नहीं। जैसे लोग मर जाते हैं ना, हाँ, तो सोचा भी महंगाई होगी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो मरे जी। खर्चा बांटता नहीं, खर्चा हो जाए ज्यादा और आदमी क्या करेगा। तो ये थ्री व्हीलर अपना खरीदा हुआ है? 3 साल में खड़ा हुआ है। अच्छा, किस्तें दे दे करके? हाँ जी, महिंद्रा फाइनेंस करवा रखा था। अच्छा, 6300 आई, कितना भरा था?
जब जाकर के अपना हुआ और मकान किराए का है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ये ऐसी तस्वीरें जो आपको मजबूर कर देंगी ये सोचने पर ये महिला कैसे अपना गुजारा करती है और थ्री व्हीलर चला करके इस तरीके से अपना परिवार का पेट भरती है। तो काफ़ी अजीब व गरीब ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर किया। कितना बोल रहा है कैसे कितना बोल रहा है? अच्छा, तो अभी उनका जो घर है वो भी किराए का है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो उनका राशन कार्ड है वो भी गुलाबी या पीला नहीं है, वो भी हरा है। तो समस्याएं बहुत आती हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं अपने परिवार को पालने के लिए। अभी उनके घर पहुंच रहे हैं तो और भी बातचीत करेंगे आज वो कहाँ जाएंगी। जैसे कि उनसे बातचीत हुई कि आज उनके पास एक कुत्ता है, वो कुत्ता भी बीमार है, उसको बिसार लेकर के जाएंगी। उसको सर्दी की वजह से बीमार हुआ है। किस तरह बीमार हुआ है? अच्छा, सरकारी में दिखाया, सेंटर में कुंडू है वहाँ दिखाया, आराम नहीं हुआ। अपना डिफेंस कॉलोनी है पुलिस लाइन के सामने, जी जी, वहाँ ले जाऊंगी। इशार अभी यहाँ ले जाऊंगी, इशार कल ले जाऊंगी। आज डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहीं तो आ रहा है, वहीं तो आ रहा है, संडे है। ठीक, आज मैं प्राइवेट मिलेगा। तो प्रेव ये महिला और हरी व्हीलर चलाती हुई अपने परिवार का पालन पोषण करती हुई, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, रेहड़ी भी इस महिला ने लगाई है। तो दोस्तों, हमारा ही दायित्व बनता है इस प्रकार का जो है पालन पोषण करने में हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो उनसे ही जानेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। मकान भी किराए का है और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की महिलाओं की मदद करना तो उनसे बातचीत करेंगे, उनके घर पर पहुंचेंगे और फिर ये तस्वीरें कि लगातार ये महिला अपने परिवार को पालने के लिए चलाती है थ्री व्हीलर। इसने रेहड़ी भी लगाई है क्योंकि जो बड़ा लड़का था उसने धोखा दे दिया, शादी हो चुकी है बड़े लड़के की और वो अलग हो चुका है। अभी उनके घर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी साथ इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और ग्रुप्स में जा करके शेयर जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार की खबरें जो हम लगातार दिखा दें। कई बार हृदय को छू लेने वाली ये खबरें होती हैं। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। कुछ ही पलों में पहुंच गए इस महिला के घर, कैसी स्थिति है वो जानेंगे और उसकी मदद के लिए हम किस प्रकार से आगे आएँ वो भी सोचेंगे कि क्या कुछ मदद आप लोगों की तरफ से हमारी ओर से हो सकती है। कौन सी कॉलोनी है ये? भटनागर। यहाँ भटनागर कॉलोनी में लगभग हम पहुँच चुके हैं और पूरा का पूरा अपना पति की जो है मृत्यु के बाद अपना जीवन अपने बच्चों को समर्पित करती हुई अपने बच्चों को किस प्रकार से पाल रही है महिला थ्री व्हीलर चला करके। और बैटरी की जो रिक्शाएं आई हैं उसके बाद देखिए तेल भी महंगा हुआ है और इनकी जो आमदनी है वो भी काफ़ी कम हुई है। तो दोस्तों, हम ये चाहेंगे कि किसी प्रकार से हम इस महिला की मदद करें। आप किस प्रकार से इसकी मदद करेंगे? मैं पिछले 3 वर्षों में किस्तें दे दे करके ये थ्री व्हीलर इनके पास बचा हुआ है, उससे ही अपने जो सारा रोज़गार है वो चला रही है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी जो मदद है वो कर सकते हैं। तो लाइव ये तस्वीरें पटना कर सोनी आगे नज़दीक है कितना के
अच्छा काफी मैं असन से गांव जयसिंहपुरा, काफी बड़ा हो गया जींद का एरिया भी, तो काफी दूर तक जो है हम जींद की गलियों में इस समय घूम रहे हैं। पटनाकर कॉलोनी है और ये महिला रोजगार के तौर पर अपना थ्री व्हीलर चलाती है, तो दोस्तों हम कैसे इनकी मदद करें वो देखना होगा। तो लाइव ये तस्वीरें तो पति क्या करते थे पहले? पटाई करते थे। अच्छा टीवी उनको मार रहे थे, नहीं बात पढ़ पाई, कुछ नशा करते थे। तो किसी के पास गए सरकार के किसी मंत्री संतरी के पास? नहीं गई। अच्छा नहीं, बस उसके बाद अपने आप अपना रोजगार अपने आप शुरू कर दिया, ना कोई आया आपके पास ऐसा? ना कोई नहीं आता, पर मैं मारा राशन कार्ड बना दो, सर्वे होएगी। अच्छा सर्वे होएगी। सर्वे होएगी ये सर्वे? अपने रोड में ये सर्वे तो पिछले 10-15 सालों से चले हुए हैं, कहीं नहीं हुए। तो अपना अमरेली रोड नहीं है? जी जी राशन रोड। हाँ हाँ वहाँ पे अपना। अच्छा गाँव ललित, गाँव कौन सा? ललित केड़ा। अच्छा पिंडारा से आगे। अच्छा पिंडारा से आगे ये मेरा भाई है सगा। अच्छा ठीक है, तो भाई ने भी फिर साथ दिया कि भाई अपना काम करो। सीखा थ्री व्हीलर सीखा कैसे? मेरे लड़के ने सिखाया। अच्छा बड़े वाले ने? बड़े वाले ने। अब क्या करता है वो? अब वो दुकान कर रहा है लेकिन कमाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। अच्छा वो बोला मैंने दे दिया, तो छोटे बच्चे थे ना। हाँ वो पहले स्कूल छोड़ छोड़ के उसके साथ ही लग रहे थे। ठीक है, तो उसने यहाँ प्लाट लिया था। यहाँ लिया उसने 150 गज का, 50 अपना और 50 दोनों छोटे बच्चा का। ठीक है, तो 3,000 रुपये गज। अच्छा तो उसने अपना तो बना रखा उसने। अच्छा अब मेरा तो एक कमरा बन रहा बस, वो भी चूहा है। अच्छा आती है आप देखना चाहते हैं? वही दिखाना है। हाँ तो अभी नाम नहीं हुआ है। अच्छा रजिन जी कुछ नहीं है। अच्छा अभी पैसे देने थे मेरे नाम पे लड़के के पैसे देने हैं, वो किराया भर इतना है। अच्छा किराया किराए पे कह रहे हैं पैसे देगी तो अभी मार्च 38,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा तो एक दिन में एक दिन में क्या कमाई हो जाती है, क्या कमा लेते हो आप? मैं यहाँ पर कमा लेती 200-300 खर्चा निकलता है बस। लड़की भी है अभी शादी करके, लड़की की बच्चा होने वाला है। अच्छा उसका भी चिड़िया देना है। अब इसका दो लड़की हुई थी, दोनों का चप्पा काट दिया बाहर का शादी कर। अच्छा किराए पर रहते थे, किसी शादी नहीं करी। मैंने सोची मेरा लड़का ना बेटा जाऊंगा करते बहू आ जाएगी बिहार में ब्याह रखा है। अच्छा 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 हाँ बहुत अच्छे वैसे। ठीक हाँ दो बच्चे हैं लड़के लड़के दोनों। अच्छा ध्यान से ध्यान ये ले रखा। अब उसके बाद अलग होने के बाद ये प्लाट ये 150 गज का परला परला, ये 60 गज का और लेगा बीच में रहता है। अच्छा धोखे तो निकल गए वो लेके निकल गए। तो देखिए एक ईंट लानी मुश्किल, अभी पहुंच चुके हैं इनके घर पर और थ्री व्हीलर चला करके महिला पहुंची हैं और अपना सारा गुजारा जो है इस थ्री व्हीलर के से अपना चलाती हैं, परिवार के सदस्यों को पालती हैं। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, काफ़ी कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक महिला किस तरीके से अपना काम चलाती है, अपने बच्चों को जो है पालती हैं। काफ़ी ब्रेवली ये तस्वीरें, और शहर से काफ़ी दूर ये घर हैं खेतों में, और गली भी काफ़ी कच्ची है, और रहना और परिवार का पालन पोषण करना, परिवार को पालना काफ़ी एक चैलेंज हो जाता है। स्थिति है घर की, अभी सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, और इनका डॉगी जो है आज बीमार है, उसी को दिखाने के लिए काफ़ी चिंता में है कि आज इसको दिखाया जाए।
और दिखाना चाहूँगा कहाँ सिर्फ दीवारें ही खड़ी हैं और ऊपर कच्ची छत, ना कोई लेंटर, और वो भी बता रहे हैं कि चूता है। तो दोस्तों मदद ज़रूर करेंगे। तो कितने साल हो गए थे शादी को, पति कब गुजरे, क्या हुआ था? 11 साल हो गए। हाँ, लड़की की शादी उनके मरने के बाद करी थी, 2011 में गुजरे थे। कितने बच्चे थे आपके पास? चार। हाँ, चार ही अभी है। ठीक, तो बड़े की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है। हाँ। तो अभी बगैर शादी के भी रहता है कोई बच्चा? दो बच्चे और हैं, दो लड़के हैं। मोबाइल क्या सोचते हैं, थ्री व्हीलर चला चला करके कब तक, 50 साल की जैसे आप बच्चे कदे कामयाब होंगे, दिहाड़ी मजदूरी करके ना कुछ करके। ले भाई बता दे फोन। तो कोई मदद लोगों की, कुछ ऐसा यदि लोग मदद करना चाहें तो कैसे करें? करना तो बहुत मदद तो है जी, मकान खड़ी का है, दीवार खड़ी, इधर रोजगार नहीं है। अब मैं कमाऊंगी बुढ़ापे में तो बच्चा ने ब्याहूंगी, क्यों बनाऊंगी, क्या करूंगी? 200-300 रुपए में क्या हुआ है? तो एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, वो भी 4 इंची हैं, और जो छत है वो उसकी जो हालत है वो भी चूने वाली है। हम मदद कर सकते हैं कुछ ना कुछ, इस तरीके से पूरा जोर जो है लगाया जाता है और थ्री व्हीलर चला करके अपना देखिए स्थिति बिल्कुल। ये जो फटियाँ होती थी काफ़ी साल पहले होती थी, बहुत कम चांसेस होते थे, आजकल इस प्रकार की छतें तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। तो आज इनका कुत्ता भी जो है बीमार है, उसको लेकर के जाएंगे। तो कुछ ना कुछ गूगल पे नंबर हम आपको देंगे, यदि कोई चाहता है कि इनकी मदद करना तो सारा का सारा जो पुराना है वो देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। और ये छतें सिर्फ दीवारें खड़ी हैं चारों तरफ, लेकिन छतें ना के बराबर। लाइव तस्वीरें जींद से हैं और महिला थ्री व्हीलर चला करके और आज अपने कुत्ते को जो है बीमार है कुत्ता, उसको लेकर के जाएंगी। तो बने रहिएगा, मदद यदि करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करते हैं कि गूगल पे या फोन पे कोई नंबर हम दे सकें। तो पूरा परिवार को पालना थ्री व्हीलर चला करके काफ़ी बहुत बड़ा एक चैलेंज, जी हाँ एक बड़ा चैलेंज। तो दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं काफ़ी अलग होती हैं कि थ्री व्हीलर चला करके अपने परिवार का गुजारा करना है, अपने बच्चों को पालना है, तो काफ़ी एक चैलेंज। लाइव ही तस्वीरें बने रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, ये थ्री व्हीलर जिससे करते हैं अपने पूरे परिवार की जो पेट भरती हैं, और आज अपने कुत्ते को ले जा रही हैं उनको दिखाने के लिए, वो काफ़ी बीमार है। तो लाइव तस्वीरें शेयर करें, बने रहें, जुड़े रहें। संदल चल हरियाणा।